आईपीएल 2021 के ऑक्शन में सबसे कम खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदे हैं। इस बार एसआरएच को सिर्फ 3 खिलाड़ियों की ही जरूरत थी, जो कि एसआरएच ने खरीद लिए हैं और एसआरएच का 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद के पूरे स्क्वाड के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। तो एसआरएच के पास बल्लेबाजों में है कप्तान डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विराट सिंह और केदार जाधव। एसआरएच के पास विकेट कीपर बैट्समैन में है रिद्धिमान साहा, जोनी बेरस्टो और श्रीवत्स गोस्वामी। बात करें डेविड वार्नर की, तो वार्नर एसआरएच के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और पिछले कुछ सालों में वार्नर ने आईपीएल में अपनी धूम मचा के रखी है और इस बार भी वार्नर हैदराबाद को पॉइंट्स टेबल में काफी ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। बात करें केन विलियमसन की, तो विलियमसन फिलहाल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे बढ़िया खिलाड़ी है और इस बार भी विलियमसन हैदराबाद के लिए मिडल ऑर्डर में काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होने वाले है। बात करें मनीष पांडे की, तो पांडे जी एसआरएच के लिए सबसे बढ़िया इंडियन बैट्समैन है और पिछले साल डेविड वार्नर और जोनी बेरस्टो जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद भी एसआरएच के लिए सबसे ज्यादा छक्के मनीष पांडे ने मारे थे और पांडे जी एसआरएच के 1000 रन के क्लब में भी शामिल हो चुके हैं। बात करें प्रियम गर्ग की, तो इस युवा बल्लेबाज को एसआरएच ने पिछले साल करीबन 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और एसआरएच ने प्रियम गर्ग को काफी मौके भी दिए थे, लेकिन आईपीएल का पहला सीजन प्रियम गर्ग के लिए उतना खास नहीं रहा था। फिर भी एसआरएच ने गर्ग को रिटेन किया है, तो इस बार गर्ग को एसआरएच की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। बात करें विराट सिंह की, तो इस युवा बल्लेबाज को भी एसआरएच ने पिछले साल करीबन 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन एसआरएच ने विराट सिंह को एक भी बार प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया था। लेकिन इस बार विराट सिंह आईपीएल में डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि विराट सिंह ने इस बार भी डोमेस्टिक में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। आईपीएल 2021 में एसआरएच की टीम में एक नया चेहरा दिखने वाला है, जो कि है केदार जाधव। वैसे केदार जाधव शुरुआत में अनसोल्ड गए थे, लेकिन आखिर में एसआरएच ने जाधव को 2 करोड़ की बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। पिछला सीजन केदार जाधव का सबसे खराब आईपीएल सीजन था, लेकिन जाधव के पास मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने का काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है, जो कि एसआरएच के लिए इस बार काम आ सकता है। एसआरएच के पास 3 विकेट कीपर बैट्समैन है, जिसमें एसआरएच की पहली पसंद रहेगी रिद्धिमान साहा, क्योंकि पिछले साल साहा ने खतरनाक बैटिंग करके अपनी जगह पक्की कर ली है और साहा के पास विकेट कीपिंग का भी काफी बढ़िया अनुभव है। बात करें जोनी बेरस्टो की, तो बेरस्टो भी एसआरएच के लिए एक मैच विनर खिलाड़ी है और एक अच्छे विकेट कीपर भी है, तो इस बार एसआरएच के लिए विकेट कीपर बैट्समैन को सिलेक्ट करना काफी दिक्कत वाला काम होने वाला है। एसआरएच के तीसरे विकेट कीपर का नाम है श्रीवत्स गोस्वामी। श्रीवत्स गोस्वामी भी एक ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन है और एसआरएच के पास पहले से ही 2 बढ़िया विकेट कीपर खिलाड़ी मौजूद है, तो इस साल भी श्रीवत्स गोस्वामी को ज्यादा मौके नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों, ये हमने बात करी आईपीएल 2021 में एसआरएच के बल्लेबाजों के बारे में और अब हम बात करेंगे एसआरएच के ऑलराउंडर्स की। तो आईपीएल 2021 में एसआरएच के पास 6 ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि है विजय शंकर, मोहम्मद नबी, मिचेल मार्श, जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद। बात करें विजय शंकर की, तो पिछला साल विजय शंकर के लिए बहुत ही खराब गया था, क्योंकि विजय शंकर ने ना ही ज्यादा रन बनाए थे और ना ही ज्यादा विकेट लिए थे और शंकर पिछले साल आधे सीजन के बाद इंजरी की वजह से रोल्ड आउट भी हो गए थे। तो आईपीएल 2021 में विजय शंकर को बेंच पर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि एसआरएच के पास और भी भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है। बात करें मोहम्मद नबी की, तो मोहम्मद नबी फिलहाल आईसीसी की T20I रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर पर मौजूद है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आईपीएल में T20I का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी ज्यादातर बेंच पर दिखाई देता है, क्योंकि एसआरएच के पास बहुत ही बढ़िया विदेशी खिलाड़ी मौजूद है। तो देखते हैं इस बार एसआरएच मोहम्मद नबी को कितने मौके देती है। अब बात करते हैं मिचेल मार्श की। तो मार्श पिछले साल इंजरी की वजह से सीजन के शुरुआत में ही रोल्ड आउट हो गए थे और मार्श अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। हाल ही में हुई बिग बैश लीग में मार्श ने इंजरी की वजह से ज्यादा गेंदबाजी नहीं करी है। तो आईपीएल 2021 में मिचेल मार्श गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, तो एसआरएच मार्श को ज्यादा मौके नहीं दे पाएगी। अगला ऑलराउंडर खिलाड़ी है जेसन होल्डर। पिछले साल मिचेल मार्श के रोल्ड आउट होने के बाद एसआरएच ने जेसन होल्डर को शामिल किया था और पिछले साल होल्डर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि इस साल एसआरएच ने होल्डर को रिटेन कर लिया है। बात करें अभिषेक शर्मा की, तो ये ऑलराउंडर भी फिलहाल काफी बढ़िया फॉर्म में है।
अभिषेक शर्मा ने हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक शानदार शतक लगाया है, तो SRH इस खिलाड़ी के ऊपर भी इस बार ज्यादा भरोसा दिखा सकती है। SRH का अगला ऑलराउंडर खिलाड़ी है अब्दुल समद। तो इस जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी ने भी सैयद मुश्ताक अली में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। हालांकि IPL 2020 में समद के बल्ले से ज्यादा रन नहीं बने थे, लेकिन समद का स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया था और SRH को लोअर ऑर्डर में ऐसे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजों की। तो SRH के पास इस बार चार मेन स्पिन गेंदबाज मौजूद है, जो कि है राशिद खान, शाहबाज नदीम, जगदीश सुचित और मुजीबर रहमान, जिसमें सबसे बड़ा नाम है राशिद खान, क्योंकि राशिद खान हर साल विकेट तो लेते ही है। साथ ही में राशिद खान काफी इकोनॉमिकल गेंदबाज भी साबित होते हैं, क्योंकि राशिद खान की गेंदबाजी को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं है। बात करें शाहबाज नदीम की, तो नदीम भी SRH के लिए अच्छे स्पिनर साबित होते हैं। शाहबाज नदीम के पास राशिद खान से भी ज्यादा IPL का अनुभव है और पिछले साल कुछ मुकाबलों में राशिद और नदीम की जोड़ी ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। SRH का अगला स्पिनर है जगदीश सुचित। जगदीश सुचित भी एक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है और इससे पहले सुचित मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं। सुचित हैदराबाद के लिए बैकअप के रूप में अच्छे स्पिन गेंदबाज साबित हो सकते हैं। SRH ने इस बार एक और स्पिनर खरीदा है, जो कि है अफगानिस्तान के मुजीबर रहमान। मतलब कि अब SRH के पास अफगानिस्तान के तीनों स्टार खिलाड़ी मौजूद है, जो कि है राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबर रहमान। वैसे SRH का स्पिन डिपार्टमेंट राशिद खान के होने की वजह से काफी मजबूत था, लेकिन अब मुजीब के आने से SRH का स्पिन डिपार्टमेंट और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो आखिर में बात करते हैं SRH के सबसे मजबूत पिलर की, जो कि है उनके तेज गेंदबाज। तो इस बार SRH के पास तेज गेंदबाजों में है भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल और बेसिल थम्पी, जिसमें SRH के मेन पेसर है भुवनेश्वर कुमार। IPL 2020 में भुवी इंजरी की वजह से पूरे IPL से बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार भुवी बाउंस बैक करने के लिए तैयार है और भुवी फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। IPL 2020 में SRH को भुवी की ज्यादा कमी नहीं खली, क्योंकि SRH के पास था थंगरासू नटराजन। पिछले साल काफी बढ़िया गेंदबाजी करने के बाद अब नटराजन की जगह प्लेइंग 11 में पक्की हो चुकी है और इस बार नटराजन का कॉन्फिडेंस और भी ऊपर रहने वाला है, क्योंकि नटराजन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। SRH के अगले तेज गेंदबाज है संदीप शर्मा। तो संदीप शर्मा भी काफी बढ़िया स्विंग गेंदबाज है और संदीप शर्मा पावर प्ले में सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा SRH के पास एक और बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मौजूद है, जो कि है खलील अहमद। लेकिन अब SRH के पास नटराजन मौजूद है, तो SRH खलील अहमद का इस्तेमाल बैकअप के रूप में कर सकती है। बात करें सिद्धार्थ कौल की, तो कौल के पास भी IPL में 50 से ज्यादा विकेट है, लेकिन IPL में सिद्धार्थ कौल का इकोनॉमी खराब रहता है, जिसकी वजह से कौल को ज्यादा मौके नहीं मिलते। बात करें SRH के आखिरी तेज गेंदबाज की, तो वो है बेसिल थम्पी। तो इस बार भी SRH ने बेसिल थम्पी को रिटेन किया है, लेकिन SRH थम्पी को ज्यादा मौके नहीं देती है, क्योंकि थम्पी का इकोनॉमी रेट करीबन 10 का है। मतलब कि इस बार भी थम्पी की जगह प्लेइंग 11 में मुश्किल है। तो दोस्तों, ये है IPL 2021 में SRH का 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड, जिसमें बल्लेबाजों में है कप्तान डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विराट सिंह और केदार जाधव। विकेटकीपर बैट्समैन में है रिद्धिमान साहा, जोनी बेयरस्टो और श्रीवत्स गोस्वामी। ऑलराउंडर में है विजय शंकर, मोहम्मद नबी, मिचेल मार्श, जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद। स्पिन गेंदबाजों में है राशिद खान, शाहबाज नदीम, जगदीश सुचित और मुजीबर रहमान। तेज गेंदबाजों में है भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल और बेसिल थम्पी। तो दोस्तों, आज की हमारी मुद्दे की बात यहाँ पर समाप्त हुई।